सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जो दिल्ली से निकलकर आ रही है, आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब घोटाले के मामले में सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई की करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। तो आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने पूछताछ के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। तो जिस तरीके से लगातार उनसे पूछताछ हो रही थी, इससे पहले भी कई बार उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, और आज जिस तरीके से पूछताछ के लिए जाते वक्त वो राजघाट गए, वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, अपनी माँ से मुलाकात की, वो तस्वीर अभी शेयर की, इसके बाद लग गया था कि हो सकता है मनीष सिसोदिया के मन में भी ये चल रहा हो कि आज उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, और उनका अंदेशा भी सही निकला। सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। तो आपको बता दें कि वो उस वक्त की तस्वीरें जब राजघाट वो पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की आबकारी नीति जो नई बनाई गई थी, उसके बाद उसे वापस ले लिया गया। उसमें घोटाले का आरोप लगा था, और ये आरोप लगाया गया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस नई नीति में कई तरह के घोटाले किए हैं। इसको लेकर चूंकि आबकारी मंत्री भी मनीष सिसोदिया थे, इसलिए उन पर ये केस चला, और अब सीबीआई इस पूरे मामले को देख रही है। सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी का ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है, लोकतंत्र के लिए ये काला दिन है। आम आदमी पार्टी बीजेपी ने राजनीतिक द्वेष के चलते गिरफ्तारी की है। ये आम आदमी पार्टी का कहना है कि राजनीतिक द्वेष के चलते बीजेपी की ओर से गिरफ्तारी करवाई गई है। फर्जी केस में इन्हें अरेस्ट किया गया है, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। और जैसे ही ये खबर बाहर आई कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, लगातार ट्वीटों के जरिए, ट्वीट्स के जरिए, सोशल मीडिया पर और दूसरे माध्यमों से लगातार रिएक्शन आने लगे। आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया है, और साफ तौर पर ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, की मनीष सिसोदिया शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे थे, इसी वजह से उन्हें अंदर कर दिया गया है। तो इस तरह के बयान अब सुनने को मिलेंगे। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी की इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली के सियासी हलके से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, उनके साथी और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है 8 घंटे की पूछताछ के बाद। और अब ट्वीट के जरिए लगातार यहां पर रिएक्शन दिए जा रहे हैं। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है आम आदमी पार्टी की, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ बातें आम आदमी पार्टी इस गिरफ्तारी को लेकर कहती है। फिलहाल ट्वीट की तस्वीरें कि देखिए किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बच्चों का भविष्य संवारने वाले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस तरह की बातें अभी कही जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या आम आदमी पार्टी किन बातों को रखती है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आती है यहाँ पर। लेकिन एक बात है जो मुख्यमंत्री केजरीवाल से लेकर के तमाम कार्यकर्ता जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो लिख रहे हैं कि शिक्षा के लिए बेहतर काम करने का दंड मिला है मनीष सिसोदिया को। और आपको बता दें कि सिसोदिया की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मनीष बेकसूर हैं, उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। ये लिखा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने लिखा है कि इससे हमारे हौसले और बढ़ेंगे और इसका जवाब लोग देंगे। तो गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि इससे हमारे हौसले और बुलंद होंगे।
तो राजनीतिक द्वेष